सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। बिंदी सिर्फ एक रुपए की आती है और माथे पर लगाई जाती है। पायल की कीमत हजारों में होती है पर पहनी पैरों में जाती है। इसी तरह इंसान आदरणीय अपने कर्मों से होता है, धन दौलत से नहीं। आज का पंचांग 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सुबह 8 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 11:30 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:46 से 9:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर सुबह 11:30 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर ही रहेंगी। कर्क राशि 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार। अच्छा, आपको ग्रहों की स्थिति के कारण हर भावना काफी गहन प्रतीत होगी। आपको प्यार और नफरत दोनों ही का बहुत गहराई से अनुभव होगा। आपको ये समझाने वाले अवसर भी आएंगे कि आप किस कारण अब अपने करीबी दोस्तों से पुरानी भावना से बात नहीं कर पा रही। हालांकि तुरंत कोई भी फैसला लेने के स्थान पर रुक रुक कर और सोच समझ कर कदम उठाना ही सही होगा। पिछले कुछ समय से अपने नजदीकी लोगों के साथ चल रही गलत फहमियों का निवारण होगा। कुछ नई तकनीक का प्रयोग करके आप अपनी दिनचर्या को और अधिक व्यवस्थित करेंगे। घर को सजाने सवारने हेतु नई वस्तुओं की खरीदारी संभव है। जो बातें आप दूसरों को सिखाते हैं उन्हीं बातों को खुद ही अमल में लाने की कोशिश करनी होगी। आपको परिस्थिति के बारे में पूरी जानकारी है, केवल योग्य समय पर कदम न उठाने के कारण जीवन में अस्त व्यस्त नजर आ रही है। आज आलस से बचकर रहने की अत्यंत आवश्यकता होगी। आपसे मिली ट्रेनिंग की वजह से सहकर्मी और काम से जुड़े लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा जिसे वह योग्य तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। रिलेशनशिप को स्थिर करने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखना होगा। सेहत के प्रति अधिक जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है। सावधानियां, अपनी कार्यशैली व योजनाओं को सबके आगे शेयर ना करें। कुछ लोग व्यर्थ की भावना से इसका नजायज फायदा उठा सकते हैं। बिना सोचे समझे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। अपने स्वभाव में सहजता बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और सम्मान करेंगे। घर का वातावरण भी सुखद बना रहेगा। आपके प्रेम प्रसंगों में एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। आपके अतीत का पुराना प्यार आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सकता है। यह हस्तक्षेप आपके करीबी मित्रों या आपके साथी के माता पिता से आ सकती है। समय की आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहें। बात करते हैं करियर की। कार्यालय का प्रेम आपको एक चुंबक की तरह आकर्षित कर रहा है, लेकिन कार्यालय काम करने के लिए है, अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए नहीं है। यह आपको याद रखने की जरूरत है। आपके सहकर्मी इस बात की सराहना नहीं करेंगे। यह एक मुंह हो सकता है। अपने काम पर ध्यान लगाएं और अगर ये होना है तो यह निश्चित रूप से होगा।
अन्यथा यह बुलबुले की तरह से फूट जाएगा। निष्पक्षता पूर्वक इसे लें। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और परिश्रम के अनुरूप अनुकूल परिणाम मिलने का भी समय आ गया है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, परंतु अभी निवेश करने के लिए समय उचित नहीं है। कोई ऑफिशियल यात्रा भी संभव है। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित कई जांचें करानी पड़ सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता होगी, लेकिन फिलहाल चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसे अपने स्वास्थ्य के लिए चेतावनी समझें और अपने खाने तथा जीवन शैली में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाएं। अगर आप इस समय पर्याप्त सावधानी रखेंगे तो भविष्य में होने वाली तकलीफों से बच पाएंगी। आज का उपाय। आज आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।